वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटी कंसर्न्स। आज मैं आपको वाइटनिंग स्क्रब बनाना बता रही हूँ, जो कि घर में बहुत इजीली बन सकता है। इसके लिए आपको चाहिए चावल का आटा, मकई का आटा, ये आप एक जितना ले लें, दो चम्मच। अगर आपने सिर्फ हैंड्स के लिए बनाना है तो फिर कम ले लें, अगर हैंड फूड दोनों के लिए बनाना है तो फिर थोड़ा ज़्यादा ले लें। और फिर ले लें कोई सा भी जो आपके पास कस्टर्ड हो ना घर में, जो भी फ्लेवर हो अवेलेबल हो उसको ले लीजिएगा, और थोड़ा सा इसमें कस्टर्ड डाल दीजिए। अब इसमें ग्लिसरीन डाल दें एक चम्मच, अब गुलाब का रस ये भी आप एक चम्मच ले लें। अगर आप फुल इसमें मिक्स करना चाहते हैं तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं एक चम्मच ले रही हूँ, बल्कि ज़्यादा ही डल गया एक चम्मच से। बाकी आप एक फ्रेश वाटर ले लें, आम वाटर, उसमें आप इसको मिक्स कर लें। ये वाइटनिंग स्क्रब है और बहुत ही सस्ता और आसान। ये ना अक्सर ब्राइडल्स यूज़ करती हैं इस, ये ना अगर आप फेस पे कर रहे हैं ना तो आप वीक में दो दिन करेंगे तो आपको उसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। नाइट क्रीम जितना इसका रिज़ल्ट होगा इतना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप हैंड फूड पर कर रहे हैं तो फिर आप एक वीक करें कि मुसलसल 7 दिन, तो आपको इसका वाज़े रिज़ल्ट पता चल जाएगा कि ये कितना इफ़ेक्टिव है। ये देखिए ऐसा स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा, जैसे हलवा टाइप का होता है। अब आप इसको ऐसे लेकर ऐसे अप्लाई कर लें और हल्के हाथ से इसको मसाज करें, ये ऐसे मसाज करें। आपके हैंड एंड फुट पैरों के लिए भी ये बहुत अच्छा है, इससे साफ़ हो जाएंगे आपके पाँव। सिर्फ 2 या 3 बार करने से, ज़्यादा बार आपको करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप वीक में अगर एक मंथ में 6 दिन भी करती हैं ना, तो आपके हाथ और पाँव क्लीन हो जाएंगे, आपको कोई किसी किस्म की नाइट क्रीम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये खुशक हो जाए लगते हो, फिर थोड़ा सा पानी ले लें और इसको इस तरह रब करें, ये इस तरह रब होता जाएगा और एक बहुत ही अच्छा आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।